नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शिक्षक बहाली प्रक्रिया में हो सकता है बड़ा बदलाव। बिहार कांग्रेस ने आरजेडी को दिया आज भर का अल्टीमेटम। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद कर सकते हैं उपचुनाव के लिए प्रचार। फेस्टिवल सीजन आते ही रेलवे टिकट की कालाबाजारी के मामले आए सामने। जानेंगे बिहार के मौसम का ताजा हाल, तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। चनपटिया के स्टार्टअप जोन का उद्योग मंत्री ने लिया जायजा। बीते दिन बेतिया पहुंचे बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने चनपटिया के स्टार्टअप जोन का जायजा लिया। इस दौरान वे चनपटिया में बने स्टार्टअप जोन की व्यवस्था को देखकर काफी खुश भी हुए और कहा कि इसे और भी विकसित किया जाएगा, जिससे कि यहां के उद्यमियों का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से बिहार में टेक्सटाइल पार्क बनाने को मिलता है, तो बेतिया के कुमारबाग में टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। वहीं इस भ्रमण से पहले मंत्री ने उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद, सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, सतीश चंद्र दुबे, विधायक उमाकांत सिंह और डीएम उद्योग प्रबंधक समेत स्टार्टअप जोन के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। जानते हैं बिहार के मौसम का ताजा हाल। अक्टूबर महीने की शुरुआत से ही सूबे के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी है। इस दौरान तापमान में भी कमी दर्ज की गई है और तेज हवा के कारण ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक मानसून की ट्रफ लाइन उत्तर से दक्षिण की ओर मध्य बिहार और इसके आसपास कम दबाव का क्षेत्र होते हुए झारखंड के रास्ते होते हुए ओडिशा की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व, उत्तर मध्य, दक्षिण पूर्व भाग के अधिकतर जगहों पर आकाशीय बिजली चमकने, मेघ गर्जन के साथ ही भारी बारिश के आसार है। वहीं उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य बिहार के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने का पूर्वानुमान किया गया है। मौसम में सुधार कल से देखने को मिल सकता है। ड्रीम इलेवन से बिहार का सद्दाम बना करोड़पति। क्रिकेट में पैसे लगाने का सिलसिला सालों से चलता आया है, लेकिन वर्तमान में पैसे लगाने का तरीका भी बदल गया है। इनमें ड्रीम इलेवन, एमपीएल समेत कई मोबाइल ऐप है जिस पर क्रिकेट टीम बनाकर पैसा कमाने का प्रलोभन दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला बिहार के कटिहार से आया है, जिसने रातों रात ड्रीम इलेवन में क्रिकेट टीम बनाकर 1 करोड़ की राशि जीती है। सद्दाम बिहार से बाहर रहकर प्रदेश में मजदूरी करता है। हालांकि ऑनलाइन गेम में पैसे कमाने का प्रचलन दिनों बड़ा है, जिसमें कई लकी विनर ही होते हैं जिन्हें जैकपॉट हासिल होता है। वहीं इन खेलों का कुछ नुकसान भी है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें फंस कर बर्बाद भी हो जाते हैं। शिक्षक बहाली प्रक्रिया में हो सकता है बड़ा बदलाव। बिहार में आए दिन शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। छठे चरण की बहाली में स्थानीय नियोजन इकाइयों की तरफ से भारी गड़बड़ी देखने को मिली, जिसके बाद सरकार अब बड़ा फैसला करने जा रही है। इसके तहत शिक्षा विभाग अब शिक्षकों की बहाली के लिए एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाने जा रहा है। साथ ही साथ बहाली की चयन प्रक्रिया में मुखिया, पंचायत समिति प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष जैसे लोकल जनप्रतिनिधियों की भूमिका को भी खत्म कर दिया जाएगा। ये चयन समिति और प्रक्रिया से बाहर रहेंगे। शिक्षा विभाग इसके लिए नियमावली में बदलाव कर रहा है, जिसके मुताबिक सातवें चरण की शिक्षक बहाली अब शिक्षक रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से होगी। यह बदलाव अगले साल सातवें चरण में दिख सकता है। पटना के तख्त श्री हरमंदिर साहब में पीएम मोदी के नाम पर जलाए गए 710 दीप। देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपना 71वां जन्मदिन मनाया था। पीएम नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस पर भाजपा का सेवा एवं समर्पण अभियान चल रहा है। इसे ही लेकर बीते दिन पटना के तख्त श्री हरमंदिर साहब जी में पीएम के नाम पर 710 दिए जलाए गए। इसके साथ ही पीएम मोदी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए तख्त साहिब में अरदास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री विधायक नंद किशोर यादव भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का गंगा माता के प्रति अगाध प्रेम था, इसलिए हम भाजपा नमामि गंगे की ओर से गुरु जी से प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना करने आए हैं। तेज प्रताप के समर्थन में आए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। राजद की आंतरिक कलह पर सत्ता पक्ष के दल भी बयान देने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, तो वहीं भाजपा जदयू साफ तौर पर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच अलगाव जैसी बातें कर रही है। भले ही तेज प्रताप यादव खुलकर कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन इशारों में इन दिनों वे अपने महत्व बढ़ाने को लेकर कई चीजें कर रहे हैं। इस बार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी चुटकी लेते हुए तेज प्रताप यादव का पक्ष रखा है। बीते दिन लालू प्रसाद यादव को बंधक बनाकर रखे जाने के तेज प्रताप के बयान पर मंगल पांडे ने कहा कि हर परिवार में बड़े बेटे का एक
कार होता है। इस मामले में तेज प्रताप को दरकिनार किया जा रहा है, जो कि गलत है। उन्होंने पक्ष लड़ते ही कहा कि चाहे सामाजिक व्यवस्था हो या प्रशासनिक व्यवस्था हो, सभी में बड़े बेटे को उत्तराधिकार बनाया जाता है, लेकिन परिवार के लोगों ने जिस तरह तेज प्रताप को दरकिनार किया है वो उचित नहीं है। फेस्टिवल सीजन आते ही रेलवे टिकट की कालाबाजारी के मामले आए सामने। त्योहारों के सीजन में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे अन्य दूसरे महानगरों से बिहार को आने वाले लोगों का जत्था इतना बड़ा हो जाता है कि रेल टिकट मिलना भारी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई घपलेबाज टिकट की कालाबाजारी से काली कमाई करना शुरू कर देते हैं। ऐसा मामला पटना से उजागर हुआ है, जहां RPF ने गुप्त सूचना के आधार पर पटना जंक्शन के पास एक टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी में छापेमारी की। वहां से फर्जी पहचान पत्र के आधार पर 15 लाख रुपए से अधिक मूल्य की बुक टिकटों की बरामदगी की गई। ट्रेन टिकट की कालाबाजारी करने के आरोप में RPF ने इंडिया टूर एंड ट्रेवल्स के संचालक विवेक कुमार को गिरफ्तार भी कर लिया है। अक्टूबर महीने के पहले जनता दरबार में शिकायत लेकर पहुंचे फरियादी। आज अक्टूबर महीने का पहला जनता दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें शिकायत को लेकर कई फरियादी मुख्यमंत्री के जनता दरबार कार्यक्रम में पहुंचे। आज के जनता दरबार में कई ऐसे शिकायत सामने आए जो कि पुलिस और प्रशासन से जुड़े थे। बताते चले कि आज के जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के तहत CM नीतीश कुमार ने गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार, कारा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, निगरानी, खान एवं भूतत्व तथा सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़ी शिकायतों को सुना, तो वहीं तत्काल रूप से इन विभागों से जुड़े अधिकारियों को मामले को देखने का आदेश दिया। बताते चले कि आज का कार्यक्रम सुबह 10 बजे से ही शुरू हो गया था। बिहार में 50 से कम हो गए कोरोना के कुल एक्टिव मामले। बिहार में गिने चुने कोरोना के मामले पाए जा रहे हैं और कोरोना के कुल केस 50 से नीचे चले गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में 3 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके तहत बेगूसराय, जहानाबाद और पटना जिले से एक एक नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 9 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 37 हो गई है, तो वहीं अब रिकवरी दर 98.66% पर पहुंच गया है। RJD के ट्रेनिंग कैंप का दूसरा चरण आज से है शुरू। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अपने 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे चरण का उद्घाटन आज किया गया। इसका उद्घाटन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया। इस दौरान राजद के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। बताते चले कि आज उत्तर बिहार के जिलों के राजद कार्यकर्ताओं के लिए इस ट्रेनिंग कैंप का आयोजन हुआ है, जो कि कल मंगलवार को भी चलेगा। प्रशिक्षण शिविर के दूसरे चरण में लगभग 400 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस चरण में उत्तर बिहार के सभी प्रखंड अध्यक्षों और नगर परिषद अध्यक्षों के साथ ही उत्तर बिहार के सभी जिलाध्यक्ष और जिला के प्रधान महासचिवों को पार्टी की नीति सिखाई जाएगी। इससे पहले 21 और 22 सितंबर को हुए प्रथम चरण के प्रशिक्षण शिविर में दक्षिण बिहार के प्रखंड अध्यक्ष भाग ले चुके हैं, तो वहीं इस शिविर का समापन कल शाम लालू यादव के संबोधन के बाद हो जाएगा। भाजपा ने राजद पर कांग्रेस की परीक्षा करने का लगाया आरोप। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजद के द्वारा बीते दिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देने के बाद से ही महागठबंधन की दल कांग्रेस की उपेक्षा करने की बात उठ रही है। इस बीच भाजपा OBC मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रवक्ता डॉ. निखिल आनंद ने भी राजद पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राजद ने कांग्रेस की हैसियत बता दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि RJD में कांग्रेस की उपेक्षा की है, बल्कि RJD ने यह सुनिश्चित किया है कि तेजस्वी यादव किसी भी स्थिति में कन्हैया के साथ मंच शेयर ना कर पाए और दोनों को एक साथ दिखने की नौबत ना आए। अब बिहार में UPA का कोई वजूद नहीं बचा है। बिहार कांग्रेस ने RJD को दिया आज भर का अल्टीमेटम। बिहार में तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीटों पर उपचुनाव के लिए राजद ने भले ही अपने पार्टी से ही उम्मीदवार को खड़ा करने की ठानी है, मगर कांग्रेस अब इस फैसले पर आर पार के मूड में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने राजद को नाम वापस लेने का अल्टीमेटम दे डाला है, वरना वे भी अपने उम्मीदवार को उपचुनाव में उतारेगी। दोनों नेताओं ने कहा है कि RJD के पास कल तक का समय है, वे अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले, नहीं तो कांग्रेस पार्टी दोनों सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। कांग्रेस का कहना है कि कुशेश्वर स्थान सीट हमारी है। वहीं उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, इस फैसले से कांग्रेस आश्चर्यचकित है। लोजपा के बंगला छाप को फ्रीज करने पर जदयू ने चिराग पर लगाया आरोप। चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह बंगला छाप को फ्रीज कर दिया, जिसके बाद से ही एक तरफ लोजपा का चिराग गुट लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पर भड़ास निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ जदयू ने इसे सरासर तौर पर चिराग पासवान को जिम्मेदार माना है। इस मामले पर बीते दिन खगड़िया में कार्यक्रम में शामिल होने आए जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि लोजपा के बंगला के हाल के जिम्मेदार चिराग पासवान
हैं, वे अपने अहंकार के कारण चुनाव चिन्ह को बचा नहीं पाए। इस दौरान वे सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ भी की करते नजर आए और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के शासन में प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास हुआ है, चाहे वह शिक्षा हो या स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में बिहार में विकास हुआ है। राजस्व विमो लालू प्रसाद कर सकते हैं उपचुनाव के लिए प्रचार। बिहार में 30 अक्टूबर को होने वाले 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजद द्वारा नाम का ऐलान कर देने के बाद यह बात सामने आ रही है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं। दरअसल यह बात सामने आ रही है कि लालू यादव 22 अक्टूबर को बिहार आ सकते हैं, जिसके बाद वे चुनावी प्रचार भी कर सकते हैं। वह यह भी बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव के बंधक वाले बयान से हुए डैमेज कंट्रोल की भरपाई करने के लिए लालू यादव बिहार आ सकते हैं। आपको बता दें कि चारा घोटाले के मामले में इसी साल अप्रैल में जमानत पर रिहा लालू यादव अभी दिल्ली में बड़ी बेटी विधानसभा सदस्य मीसा भारती के सरकारी आवास पर रह रहे हैं। प्लेऑफ में पहुंचने के बाद विराट कोहली ने दिया बड़ा बयान। शारजाह में खेले गए आईपीएल 2021 के 48वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पंजाब किंग्स को हराने के साथ ही विराट कोहली की टीम आरसीबी प्लेऑफ में पहुंच गई है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में पहले ही पहुंच चुकी है। ऐसे में आरसीबी के कप्तान विराट कोहली काफी खुश नजर आए। वहीं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि अद्भुत सा लग रहा है, 12 मैचों में से 8 मुकाबले जीतना एक बड़ी बात है। हमारे पास शीर्ष 2 में खत्म होने के 2 और मौके हैं, हमें निडर होकर खेलना चाहिए। जब आपके पास स्कोर बोर्ड पर कोई विकेट नहीं होता है तो आप ज्यादा जोखिम उठा सकते हैं, जो मुझे और पडिक्कल को लगातार करते रहना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार शिक्षक बहाली में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका को खत्म कर देना चाहिए या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।